अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निमराज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन की निहारी। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है आटा 2 प्याली, निहारी मसाले का डब्बा, नेशनल वालों का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन में आटा हमारा जो है उसको हम लोगों ने भून लेना है। ये मैंने पैन में आटा डाल दिया, अब इसको मैंने हल्की आंच पे इसको भूनना है आटे को, कि आटे का जो कलर है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टाइप हो जाए। आटा हम लोग यहाँ पे भून रहे हैं, याद रखिएगा बहुत ही लो फ्लेम पे हम लोगों ने आटे को भूनना है, ये ना क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो आटा जो है हमारा वो नीचे लगेगा, और ज़्यादा आटे को लाल नहीं करना। ये देखिए आटा हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालेंगे एक बाउल में, अब ये सारा जो है हम एक बाउल में निकाल रहे हैं, और इसके अंदर फिर हम लोगों ने पानी जो है वो यूज़ करना है, और इसको लिक्विड सी पेस्ट बना रही है। पानी ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह से हम लोगों ने इसकी लिक्विड सी पेस्ट बना लेनी है। ये देखिए इस तरह। अब एक देचकी में ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/2 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे 2 खाने वाले चम्मच, इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे, भूनेंगे। चिकन ऐड करेंगे, अब चिकन को हम लोगों ने ब्राउन कर लेना, भून लेना अच्छी तरह। चिकन यहाँ पे हमारा जो है वो ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर हमें 2 चम्मच जो है 2 खाने के चम्मच नमक ऐड करना है। इसके साथ ही हम लोगों ने निहारी मसाले का जो पैकेट है वो पूरा ऐड कर देना, और अच्छी तरह से अब चिकन को हमने फिर से भून लेना है कि सारा मसाला जो हमारा चिकन पे लग जाए। चिकन यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो है वो गल चुका है, अब हम चिकन को अपने एक बाउल में निकाल देंगे। अगर तो आप मटन या बीफ की निहारी बना रहे हैं तो आप मटन और बीफ को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़रा टाइम लेते हैं गलने में। ये चिकन है इसको हम अलग एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही फिर गल जाएगा। चिकन हमने एक बाउल में निकाल लिया, अब हम लोगों ने जो हमारी देची है उसके अंदर हम लोगों ने पानी ऐड करना है। पानी जो है वो पानी मैं यहाँ पे ये वाले जो हमारे पास ग्लास है, ये देखें ये ग्लास है, और ये मैं 10 ग्लास पानी के हम अपनी देची में ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 10 ग्लास, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको एक बॉयल आने तक इसी तरह पानी को पकाएंगे। पानी यहाँ पे हमारा बिल्कुल पक चुका है, बॉयल हो चुका है, अब इसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे आटे की पेस्ट हम लोगों ने बना के रखी थी वो सारी पेस्ट हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है, और चम्मच हम लोगों ने साथ साथ चलाते जाना है। अब हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से, चम्मच हम लोगों ने तब तक चलाना है जब तक हमारे इसको पूरा बॉयल नहीं आ जाता। 2-3 बॉयल आएंगे फिर हम लोग चम्मच ना चलाएं तो कोई मसला नहीं, अभी हम लोगों ने इसमें चम्मच को हिलाते जाना है। निहारी यहाँ पे हमारी पकना स्टार्ट हो गई है, काफ़ी बॉयल आ चुके हैं इसे, अब हम लोगों ने इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर देनी है, नॉर्मल सी, और हमारा जो चिकन था जो हम लोगों ने मसाले वाला तैयार किया था वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लिया, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और 1-1/2 घंटे के लिए हमने निहारी को ना मीडियम फ्लेम पे ना कुक होने देना, जब तक हमारी ये थोड़ी सी और गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पे हमारी निहारी जो है बिल्कुल डन है, इतनी थिक हम लोगों ने रखी है, इतनी थिक बहुत है, क्योंकि निहारी जो है वो ठंडी होके और थिक हो जाती है। एक पैन में ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप, और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है, अभी जो हमारी हमने अपनी तरी बनाई है ये इसके अंदर ऐड। तैयार है हमारी चिकन निहारी, ये सलाद हम लोगों ने इसकी तली हुई प्याज है, गोल कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, चॉप किया हुआ या बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू।